नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत ने अपना रतन खो दिया। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में निधन हो गया है। मुंबई का ब्रीच कैंडी अस्पताल जहां पर आखिरी सांस रतन टाटा ने ली। रतन टाटा 86 साल के थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, उन्हें उम्र से संबंधित कुछ तकलीफ हुई थी जिसके बाद अस्पताल में वो भर्ती हुए थे। रतन टाटा के निधन की खबर से बिजनेस जगत से लेकर देश भर में दुख का माहौल। रतन टाटा एक ऐसी शख्सियत जिनकी जैसा बन पाना हर किसी के बस की बात नहीं। लंबे समय से रतन टाटा बीमार चल रहे थे। हालांकि पिछले दिनों जब अस्पताल में वो भर्ती हुए, उस वक्त जिस तरीके से अफवाहों और अटकलों का बाजार गर्म हुआ, खुद रतन टाटा की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके अपनी सेहत को लेकर ये देश को जानकारी दी गई थी कि वो रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। रतन टाटा उद्योग में ईमानदारी, नैतिक और मूल्य आधारित नेतृत्व और परोपकार, यही पहचान रतन टाटा ने जो अपने 86 साल के लंबे जीवन में बनाई और जो इज्जत उन्होंने कमाई। टाटा घर घर में एक भरोसे के नाम के तौर पर रतन टाटा के ही नेतृत्व में स्थापित हुआ। बिजनेस सेक्टर में एक बड़ा नाम और पहचान एक ऐसे दरियादिल शख्सियत की जो कभी भी देश हित के लिए, देश के नागरिकों के हित के लिए कदम उठाने में, काम करने में हिचकिचाता नहीं था। 28 दिसंबर 1937 वो तारीख जब रतन टाटा का जन्म हुआ। साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा रहे। कामयाबी की सीढ़ियां रतन टाटा ने तेजी से चढ़ी। 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में बतौर सहायक शामिल हुए थे रतन टाटा। 1959 में आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद टाटा इंडस्ट्रीज से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1974 में टाटा सन्स के बोर्ड के निदेशक बने। 1981 टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बन गए। तो सोचिए, 1962 करियर की शुरुआत और फिर टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष 1981 में बने। इसके बाद 1991 से टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे रतन टाटा। बिजनेस सेक्टर में रतन टाटा ने कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। देश ही नहीं, दुनिया में टाटा समूह की धाक जमाई। हम सबको याद होगा जिस तरीके से वो जैगवार वाली डील जो टाटा ने की थी, जिसके बाद देश ही नहीं दुनिया में टाटा की धमक, टाटा की धाक दिखाई दी थी। देश और आम लोगों के लिए रतन टाटा ने कई ऐसे काम किए हैं जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी अपना परिवार मानते थे, उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। इसी वजह से वो लोग जिन्होंने रतन टाटा के साथ काम किया है, उन्हें अपने बॉस के तौर पर, कंपनी में काम कर रहे एक बड़े अधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि अपने एक गुरु के तौर पर, एक मार्गदर्शक के तौर पर और कई मौकों पर तो अपने सबसे सच्चे मित्र के तौर पर देखते थे। आपको बता दें, उद्योगपति रतन टाटा के अंतिम दर्शन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हो सकेंगे। उनका पार्थिव शरीर नरेवन पॉइंट के एनसीपीए में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद वर्ली तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। अंतिम संस्कार वर्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई है, रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। 10 बजे से 4 बजे तक उनको एनसीपीए में दर्शन के लिए लोगों के लिए रखेंगे, ऐसा उनके रिश्तेदारों ने कहा है। और उसके बाद आगे की अंतिम विधि उनका होगा, वर्ली में होगा ऐसा कहा उन्होंने। मैं फिर एक बार उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए रतन टाटा को, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, और साथ ही वो बता रहे थे कि 10 बजे से एनसीपीए में परिवार की तरफ से कहा गया है कि पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। फिलहाल आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मुंबई से इस समय मौजूद हैं, सूरज ओझा रतन टाटा के घर के बाहर ही मौजूद हैं, और साथ ही मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जरा पहले सूरज का रुख करते हैं, अभी पार्थिव शरीर यहीं जो घर है मुंबई में रतन टाटा का, वहीं रखा गया है सूरज? जी बिल्कुल रोमाना, मैं आपको विजुअल्स में दिखा देता हूँ कि आपको ये गेट जो दिखाई दे रहा है, गेट के पीछे आपको जो बंगला दिखाई दे रहा है, इसी बंगले में फिलहाल रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया है, और यहाँ से करीब 9:30 बजे ये पार्थिव शरीर निकाला जाएगा, जो यहाँ से करीब 2.6 किलोमीटर की दूरी पर NCPA है, वहाँ ले जाया जाएगा, जहाँ पर आम लोग उनके आखिरी दर्शन के लिए आ सकते हैं। और इसी के चलते मुंबई पुलिस को ये ऐसा अनुमान है कि कई भीड़ जो है हज़ारों में हो सकती है, और इसी वजह से उस पूरे इलाके को नो पार्किंग जोन डिक्लेयर किया है। तो मुंबई पुलिस इस पूरे जो सम्मान जो यात्रा उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, उस पूरे यात्रा को मॉनिटर कर रही है, क्योंकि कई VIPs यहां पर आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको वापस से दिखा देता हूं कि रात को जब ये घटना, मतलब जिस जब ये पता चला कि वो रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया टाटा ग्रुप की तरफ से, उसके बाद लगातार जो महाराष्ट्र की बड़े आला अधिकारी थे उस पूरी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हर कोई इस पूरी चीज़ों को खुद से ही मॉनिटर कर रहे थे। और रात को ब्रिज कैंडी अस्पताल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा जाने माने बिजनेसमैन अंबानीज भी वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद जब कुछ समय के बाद उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से निकाला गया और यहाँ पर उनके घर पर लाया गया, जहाँ पर उनके जो करीबी हैं वो पहले से ही मौजूद थे, उन्हें यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। उसके बाद आज का जो पूरा कार्यक्रम है वो यही है कि यहाँ से 9:30 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर NCPA हॉल ले जाया जाएगा, जहाँ पर आम लोग भी आकर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर पाएंगे। जी आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, 2 दिन पहले जब ये खबर आई कि रतन टाटा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और ICU में शायद उन्हें एडमिट किया गया है, तब खुद रतन टाटा की तरफ से वो स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसमें देश को आश्वस्त किया गया था कि उम्र संबंधित बीमारी है, रूटीन चेकअप के लिए उनको एडमिट किया गया है। लेकिन अब कुछ जानकारी, डिटेल्स मिल रही हैं कि ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी जिसके चलते रतन टाटा को तब अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। मृत्युंजय, रोमाना, दरअसल रतन टाटा का जो रूटीन चेकअप है वो अक्सर होते रहता था, ये समय समय पर उनका रूटीन चेकअप होता था, कई बार डॉक्टर विजिट किया करते थे, कई बार खुद रतन टाटा जाकर अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप कराया करते थे। लेकिन 3 दिन पहले उन्हें लो BP की तकलीफ थी, उनका BP सडनली डाउन हुआ, जिसके चलते उनको रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर शाहरुख हैं जो कि ब्रिज कैंडी में जाने माने डॉक्टर हैं, और वहाँ उनकी टीम की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ सुधार हुआ। लेकिन एक उम्र थी, 86 साल की उम्र थी, और कई बार बहुत हाई डोज की दवाइयां भी असर नहीं करती या फिर उचित नहीं होता दिया जाना, संभवतः जो हालत थी उसमें बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ, डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था, लेकिन 1 दिन 2 दिन और 3रे दिन होते होते वो हमारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि उम्र के लेकर भी दिक्कतें थी संबंधी, और जो ब्लड प्रेशर था वो बार बार लो हो रहा था, तो इसको लेकर दिक्कतें हो रही थी। कल शाम को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी, और उन्होंने कल शाम को ही देर रात आखिरी सांस ली, और ये जानकारी फिर रात 11:30 बजे के बाद अन्य जो बिजनेस घराने हैं उनको इसकी जानकारी मिली टाटा ग्रुप की तरफ से, और फिर टाटा ग्रुप की तरफ से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया अस्पताल की तरफ से। अभी तक आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं जरा वो दर्शकों को दिखा देते हैं। दरअसल रतन टाटा के निधन के बाद टाटा संस की तरफ से चेयरमैन हैं, उन्होंने बयान जारी किया कि दुख के साथ हम रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, बाकायदा एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी किया गया ये बताते हुए कि रतन टाटा का जाना टाटा संस के कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान और एक ऐसी कमी और खामी, ऐसी एक खलती रहेगी टाटा संस को जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है, जिसे कोई भर नहीं सकता है, कोई पूरा नहीं कर सकता है। रतन टाटा का जाना एक ऐसी बड़ी क्षति है टाटा संस को। और देखिए, रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी
शोक संदेश दिया। रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि रतन टाटा एक असाधारण इंसान थे। हम सबको याद होगा वो रतन टाटा देश के लिए जो ड्रीम कार बनाना चाहते थे, नैनो कार। किस तरीके से वो कार, जब बंगाल में उसकी फैक्ट्री का जबरदस्त विरोध हुआ तो गुजरात ही था और तब गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने टाटा के लिए, रतन टाटा के लिए, उनकी कंपनी के लिए, नैनो के लिए दरवाजे खोले प्रदेश के। और फिर नैनो की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वहीं गुजरात से शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी, एक्स पर पोस्ट की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं, ये भारत का कोहिनूर हरपला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। उनका आदर्श लेकर आगे बढ़ना, उनके आदर्शों पे चलना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि साबित हो सकती है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से, जिस प्रकार के फिलेंथ्रोफिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है, देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। रतन टाटा कल मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली उन्होंने, और आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री को सुन रहे थे रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए। और ये सिलसिला लगातार जारी है। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अदाणी, उन्होंने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। सोशल मीडिया एक्स पर गौतम अदाणी ने पोस्ट किया, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन किया है। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। देखिए, गौर करने वाली बात यही है कि रतन टाटा सिर्फ एक देश के दिग्गज, बड़े जाने माने उद्योगपति के तौर पर उनकी पहचान नहीं, बल्कि उनकी शख्सियत के कई ऐसे आयाम, और खासतौर से जिस तरीके से देश हित और देश के नागरिकों की हित की भावना से वो ओतप्रोत रहते थे और उनके लिए वो परोपकार के कार्य करते थे, इसी ने रतन टाटा को एक अलग पहचान दिलाई, इसी ने टाटा ग्रुप को एक भरोसे का नाम दिया। टाटा मतलब भरोसा, ये पहचान टाटा समूह की रतन टाटा के नेतृत्व में बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, दूरदर्शी कारोबारी, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान। भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया जिन्होंने कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाया और इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति दी।
मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पोस्ट। तो भारत ने अपना रतन खो दिया। देखिए, अमेरिका में एक बार फिर से तूफान जो है वो कहर बरपा रहा है। 10 दिन के भीतर ही ये दूसरा बड़ा तूफान जिसने अमेरिका में दस्तक दी है। इस तूफान का नाम मिल्टन है। फ्लोरिडा में दस्तक दी है तूफान मिल्टन ने। ये जो चक्रवात मिल्टन है, इसका असर फ्लोरिडा के गल्फ कोस्ट में खासतौर पर देखने के लिए मिलेगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी जब ये मिल्टन तूफान अमेरिका का फ्लोरिडा का जो गल्फ कोस्ट है वहां पर दस्तक देगा। इस तूफान की वजह से कई शहरों में दहशत फैली हुई है। 10 लाख से भी ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल गए। अमेरिकन नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक ये तूफान इस सदी का सबसे भयानक तूफान बताया जा रहा है, और इसलिए क्योंकि इसकी रफ्तार जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान जो दस्तक देगा अमेरिका के फ्लोरिडा। प्रशासन की ओर से इस तूफान को फोर्थ कैटेगरी में डाला गया है। मतलब ये कि बेहद खतरनाक है ये तूफान। घरों के उड़ने से लेकर शहरों में बिजली सप्लाई तक सब ठप हो सकता है अमेरिका में। और इसकी आहट जो है देखिए अभी से वो दिखाई और सुनाई पड़ने लगी अमेरिका में। तूफान मिल्टन का असर, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। अभी से तेज हवाएं, तेज बारिश फ्लोरिडा में देखने के लिए मिल रही है। तूफान की वजह से फिलहाल ये खबर मिल रही है कि बहुत सी जगह जबरदस्त तबाही होना शुरू हो गया है। लाखों की तादाद में लोग फ्लोरिडा का गल्फ कोस्ट, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा इस तूफान से है, वो इस इलाके को खाली कर सुरक्षित जगहों की तरफ चले गए। जान का खतरा ना हो, जान के खतरे को किसी तरीके से कम किया जाए, यही प्राथमिकता इस वक्त अमेरिका में दी जा रही है। क्योंकि माल के खतरे को, माल का जो नुकसान है उसको बचाना तो फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन जान का नुकसान ना हो इसी पर पूरा ध्यान अमेरिका ने केंद्रित किया। तूफान मिल्टन जिसकी आहट भर से ही अमेरिका का फ्लोरिडा थर्रा उठा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं इस समय जो आप देख रहे हैं। अमेरिका फ्लोरिडा आप देख रहे हैं कि अभी दिन की रोशनी नहीं हुई है, रात का वक्त है, रात का अंधेरा सछाया हुआ है और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश जो फ्लोरिडा में हो रही है इस समय। ये तूफान मिल्टन का कहर है। खासतौर से जो फ्लोरिडा का गल्फ कोस्ट इलाका है वहां पर जबरदस्त तबाही अपने साथ ये तूफान मिल्टन लेकर आने वाला है, इसी की आशंका जताई गई। फोर्थ ग्रेड का तूफान इसको बताया जा रहा है, मतलब बेहद खतरनाक कैटेगरी इस तूफान की। एक ऐसा तूफान जब जोरदार बारिश होती है और उससे तेज रफ्तार के साथ हवाएं चलती हैं, जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने के लिए आमादा होती हैं, और वही तबाही इस वक्त अमेरिका के फ्लोरिडा में देखने के लिए मिल रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। ये शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे, हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई है। आज 11 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक करेंगे। हुड्डा, सैलजा, रणदीप सुरजेवाला को बैठक में बुलाया गया है और इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं, लेकिन उम्मीद कांग्रेस को ज्यादा थी और इसी को लेकर अब एक बैठक कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त लाइन पर मौजूद है। जैनेन्द्र, क्या कांग्रेस हार की समीक्षा करेगी? जिस तरीके से अंदर खाने देख रहे हैं एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं इस हार का, क्या अब हाई लेवल मीटिंग में समीक्षा होगी हार की? बिल्कुल, देखना यही है कि उच्च स्तरीय बैठक में एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं या फिर किस तरह की समीक्षा की जाती है, क्योंकि हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस जो है वो इसे अप्रत्याशित बता रही है और ईवीएम पर दोष मंड रही है। कल चुनाव आयोग को कांग्रेस ने लिखित में शिकायत दी कि ईवीएम को लेकर, काउंटिंग की प्रक्रिया को लेकर। हालांकि दूसरी तरफ जो सैलजा गुट है वो खुल करके निशाने साध रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर और उन्हें हार की वजह बता रहा है, और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ इसको वजह भी
सैलिया गुट की तरफ से बताया जा रहा है, सैलिया की उपेक्षा को वजह बताया जा रहा है। तो कांग्रेस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो गया है और कांग्रेस ईवीएम पर आरोप लगा रही है। इन सबके बीच सुबह 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी बैठक बुलाई है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा जितने बड़े नेता है ना कांग्रेस के सबको बुलाया गया है। राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और उसमें हरियाणा के की जो हार हुई है उसकी समीक्षा की जाएगी। देखना यह है कि क्या ईवीएम जिस पर टिकला फोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या उसको लेकर क्या रणनीति बनती है जी। और वहीं जो दूसरे भूपेंद्र हुड्डा विरोधी गुट है, सैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, वो अपनी क्या राय इस बैठक में बताते हैं और किस तरह का माहौल रहता है देखने वाली बात होगी। क्योंकि निश्चित तौर पर ठीक है जयेंद्र, जो जीता हुआ था कांग्रेस का वो कांग्रेस ने गवा दिया है। शुक्रिया आपका जयेंद्र अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर कांग्रेस को उम्मीद थी ज्यादा लेकिन सीटें कम आई, हार का सामना हरियाणा में करना पड़ा। अब ऐसे में आज 11 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है, हाई लेवल ये मीटिंग होगी जिसमें हार के कारणों पर समीक्षा की जाएगी। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के लिए रवाना हो गए हैं, 21वें एशियन भारत शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे, कई नेताओं के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात भी होने वाली है। और बड़ी जानकारी यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस के लिए रवाना हो चुके हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट। तो आज द्विपक्षीय मुलाकात कई नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।